हेलो गाइस, मैं हूं अनुराग झा और आप देख रहे हैं नॉलेज प्रोवाइडर चैनल। दोस्तों, आज जो है हम लोग बात करने वाले हैं कि एक अच्छा आंसर कैसे लिखा जाता है या एक अच्छा आंसर किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, आंसर लिखने के लिए दोस्तों सबसे पहले बात ये ध्यान रख लीजिए कि आपकी तैयारी कितनी भी है मायने नहीं रखता। आंसर कैसे लिखते हैं इससे इसका कोई संबंध नहीं है। इसके लिए आपको निश्चित रूप से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और यहाँ पे जो अच्छा आंसर पहला सवाल आता है, कहा किसे जाता है, तो वो आंसर जो आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स दिला सकते हैं अच्छा आंसर कहलाता है। ठीक है, तो अच्छे आंसर लिखने के लिए हम लोग किन किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। तो पहला है आपका भाषा। ठीक है, निश्चित तौर से भाषा मायने रखता है, क्योंकि भाषा ही जो है आपको ये दिलवाता है कि आप किस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हो। दूसरा आपका शैली, कि लिखने का आपका शैली क्या है। तीसरा जो है हो जाता है आपका मेन, वो है लिखावट। ठीक है, लिखावट कैसी है आपकी, हैंडराइटिंग मायने रखते हैं, कितने मायने रखते हैं, वे मैं आगे बताऊंगा। चौथा है आपका लिखने का शैली। तो लिखने के शैली में आता है कि आपका क्वेश्चन परत दर परत उतर रहा है कि नहीं। ठीक है, परत दर परत कैसे को क्या कहते हैं, वो आगे मैं बताऊंगा। और पाँचवा जो आपका है वो है तैयारी। तो तैयारी भी मायने रखता है, क्योंकि निश्चित तौर से पढ़ने वाले स्टूडेंट ज़्यादा मार्क्स लाते हैं, तो तैयारी मायने रखते हैं, पर कितना मायने रखते हैं ये मैं आगे बताऊंगा। और छठा आपका समय। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं एग्जाम में। और उसके बाद है याद कैसे रखें लंबे समय तक किसी चीज़ को। दोस्तों, बहुत सारे लोग आपको कहते हैं कि इस तरह से पढ़ो। ठीक है, इस तरह से पढ़ोगे तो फोकस्ड होके पढ़ो ताकि आपको अच्छे मार्क्स दे दें, लेकिन कोई ये नहीं बताता फोकस्ड किससे कहते हैं, फोकस्ड होते कैसे हैं। ठीक है, तो वो मैं बताऊंगा। अपने आप में जो है विश्वास रखिए और चलिए देखते हैं। इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिए, चाहे सारी चीज़ें समझ में आएंगी। कैसे कोई एक ही क्लास में बैठा एक बच्चा 90% लाता है, और कैसे कोई बच्चा फेल भी करता है, या कुछ बच्चे जो है 50-60% से ज़्यादा कभी नहीं ला पाते हैं। तो इसके पीछे क्या क्या वजह हो सकती हैं, तो अभी मैंने बताया कि आपको 7 वजह हैं। कौन कौन सी? भाषा, शैली, लिखावट, लिखने की शैली, तैयारी और समय, और उससे लंबे समय तक याद कैसे रखा जाए। ठीक है, क्योंकि जब तक आपके पास याद नहीं होंगे कुछ ना कुछ चीज़, तो आप बेहतर आंसर लिख नहीं सकते हैं। तो आखिर सवाल ये है कि कैसे लिखें। तो लिखने के लिए आपका सबसे पहला जो टर्म आता है, वो सबसे पहला टर्म है आपका भाषा। तो भाषा को दो तरह से आप बांट सकते हैं, कि उसका प्रभाव, उसका लिखने का तरीका। ठीक है, तो यहाँ पे आप दो तरीके से बांट सकते हो भाषा को। और इसके बाद दोस्तों, ये सारी चीज़ें तो मैं डिस्कस करने वही वाला हूँ, लेकिन इससे जो एक मायने चीज ये है यहाँ पे, कि आंसर को जो है आप हमेशा बेहतरीन ढंग से लिखने का कोशिश कीजिए। मर्यादा आंसर्स के नहीं तोड़िए, उसको समझिए, पढ़िए। ठीक है, और जब समझ में आ जाए तो उसका कंटेंट ढूंढने की कोशिश कीजिए, और जब कंटेंट मिल जाए तब आप उसको लिखना शुरू कीजिए। क्योंकि ये मायने रखता है, ये मायने बिल्कुल नहीं रखता कि आप एग्ज़ाम में कितना जानते हो। एग्ज़ाम में जानना बड़ी चीज़ नहीं है, वो हर कोई जानता है, पर आप लिख के क्या आते हो, क्योंकि एग्जामिनर के पास आप नहीं होते, एग्जामिनर के पास होता है आपकी कॉपी। ठीक है, तो आपकी भाषा क्या है ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है, कि आप किस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करते हो, आप जो कहना चाहते थे एग्जैक्टली वही लिख के आए हो, या फिर कुछ मिस्टेक रह गई, या कुछ रह गया कि आप नहीं लिख पाए, और लिख भी पाए तो कितना लिखे और किस तरह से लिखे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में भाषा के साथ।